आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मंत्र केयर पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूजी हुई पलके यानी कि आई स्वेलिंग के बारे में। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि आपकी पलके सूज गई हैं या भारी हो गई हैं? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है? आपकी पलके भी अगर सूज जाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूजी हुई पलके क्या होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे ज़रूरी बात कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जो आपकी इस परेशानी को दूर करने में काफ़ी मदद कर सकती है। सूजी हुई पलके क्या होती हैं? ज़्यादातर ये समस्या तब होती है जब आँखों के आसपास अत्यधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इसके साथ साथ अक्सर हमारी आंखों में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आंखों के किसी इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से पलके सूजे। इसमें कुछ दूसरी समस्या या परेशानी भी हो सकती है, जैसे जुकाम का ज़्यादा बढ़ जाना, बार बार छींके आना, नाक में दर्द होना या नाक की कोई अन्य परेशानी या गलत तरीके से सोना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पलके केवल सूज जाती हैं और आपको इससे जुड़ी कोई और दूसरी परेशानी नहीं होती। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि सूजी हुई पलकों की वजह से आपको आंखों में जलन, खुजली, लालपन, सूखापन या धुंधलापन महसूस होता है। आप अपनी आंखों में या आंखों के आसपास दर्द भी महसूस कर सकते हैं। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि आपकी पलके सूज जाने की वजह से आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बुखार आ जाता है। ये सभी पलकों के सूज जाने के कुछ मुख्य लक्षण हैं जो अधिकतर लोगों में देखे जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आपकी आंखों या पलकों पर सूजन क्यों आ जाती है? आंखों या पलकों के सूज जाने के अलग अलग कारण क्या होते हैं? तो चलिए अब इन कारणों को विस्तार से जानते हैं और यह भी जानेंगे कि इनका उपचार कैसे करना है। पहला, स्टाई। स्टाई पलकों के सूज जाने का सबसे पहला कारण है। यह आपकी पलकों के भारी किनारों पे लाल रंग की गांठ जैसा होता है। इसके अंदर मवाद या पस भर जाती है और इसको छूने पर काफ़ी दर्द भी होता है। स्टाई के ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि यह धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। स्टाई के होने पर आप गर्म कपड़े से अपनी पलकों की सिकाई करें, जिससे दर्द में काफ़ी आराम मिलता है और यह जल्दी भी ठीक हो जाती है। सेकेंड, ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस की वजह से पलकों पर सूजन आ जाती है। इससे पलकों पर खुजली होना शुरू हो जाती है और पलकों के आसपास पपड़ी जम जाती है। जिन लोगों को ये परेशानी होती है, वे जब सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें और पलके आपस में चिपक जाते हैं। इसके लिए आप अपनी पलकों को हल्के गर्म पानी से धोएं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। साथ ही आप डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ड्रॉप या ऑइंटमेंट भी ले सकते हैं। थर्ड, कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आमतौर पर आँख आना कहते हैं, ऐसे मामलों में आंखें गुलाबी या लाल हो जाती हैं। यह परेशानी किसी तरह की एलर्जी, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण की वजह से हो जाती है। इससे आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, खुजली होना शुरू हो जाती है और जलन भी महसूस होती है। कंजंक्टिवाइटिस होने पर आप अपने तौलिए, तकिए के कवर आदि चीज़ों को अलग रखें, जिससे कि यह संक्रमण और न फैले। इसके लिए आप एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रॉप भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। फोर्थ, एलर्जीज। किसी तरह की एलर्जी की वजह से भी आई कंजंक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है, जिसके कारण आंखें सूज जाती हैं। यह एलर्जी अलग अलग तरह की हो सकती है, जिसमें आंख लाल हो जाती है, खुजली आती है और आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। इसका उपचार करने के लिए आपको एलर्जन से बचना चाहिए और आंखों के डॉक्टर की सलाह से एंटी हिस्टामिनिक दवाइयों को लेना चाहिए। पांचवा, कैलेजियन। कैलेजियन पलक के अंदर एक तरह की गांठ होती है, जिसकी वजह से पलक सूज जाती है। यह गांठ शुरुआत में छोटी होती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि ये अपने आप ठीक हो जाती है, पर कई बार इसको आँखों के डॉक्टर द्वारा निकालना भी पड़ता है। छठा, रोना। जब आप रोते हैं तो आपकी पलकों के आसपास एक तरह का तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें सूज जाती हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक रोते हैं तो आपको यह शिकायत देखने को मिलती है। सातवां, कीड़े का काटना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कीड़े के काटने से आपकी आंखों की पलक सूज जाती है।
इसके लिए आप बर्फ को अपनी आंखों पर रख के ठंडी सिकाई कर सकते हैं। आठवां, अस्वच्छ या अनहाइजेनिक कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस को बिना साफ किए पहनते हैं तो इससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और आंखों पर सूजन भी आ जाती है। अगर आपकी आंखों पर सूजन है तो आपको इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नाइन्थ, फ्लूइड रिटेंशन। ये समस्या तब होती है जब फ्लूइड का टिश्यू से निकलना बंद हो जाता है। ऐसा हार्मोन में बदलाव या नमक के ज्यादा इस्तेमाल के कारण होता है। यह सभी पलकों की सूजन की छोटी छोटी समस्याएं थी, लेकिन इसकी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं भी होती हैं जिसके लिए आपको आंखों के डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, जैसे नेत्रदाद या ऑक्युलर हर्पीस। आंखों की यह स्थिति हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से आपकी आंखों के सामने वाले हिस्से यानी कॉर्निया को प्रभावित करती है। इसके लिए डॉक्टर एंटीवायरल आई ड्रॉप्स या टैबलेट देते हैं। ग्रेव्स डिजीज, यह एक ऐसा रोग है जिसके कारण हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह हार्मोन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। इसका उपचार विभिन्न प्रकार से हो जाता है, जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन, एंटी थायराइड दवाइयाँ या सर्जरी। सेलुलाइटिस, यह सॉफ्ट टिश्यूज और फैट का इन्फेक्शन होता है जो आंखों को अपने सॉकेट में रखता है। इसमें काफ़ी दर्द और परेशानी होती है। इसके इलाज में डॉक्टर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देते हैं, बट किसी किसी केस में इन्फेक्शन को निकालने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। आंखों की चोट या आई इंजरीज, आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ आँख को खरोच देती है। ऐसे में आपकी आँख में अगर कोई केमिकल रसायन चला जाए तो वो काफ़ी सीरियस हो सकता है। चोट के प्रकार के आधार पर लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें आंखों में दर्द, आंखों में लाली होना, आंखों को हिलाने में परेशानी होना और आंखों में सूजन कुछ कॉमन लक्षण हैं। इसका उपचार भी चोट के आधार पर अलग अलग होता है। तो सूजन किसी भी वजह से हो, अगर ये सूजन 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होती है तो आपको आँखों के डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। अंत में मैं आपको कुछ बहुत ही आसान उपाय बताना चाहती हूँ जिससे आपकी आंखों की सूजन में बचाव हो सकता है और ये कम भी हो सकती है। जैसे समय पर सोएं, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ से दूर रहें, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखें, आंखों पर गर्म कपड़े की सिकाई करें, अच्छा और स्वस्थ भोजन लें, पोटेशियम से भरपूर भोजन लें और अंत में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो में आपको सूजी हुई पलकों के विषय में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें। धन्यवाद।